नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। पुरानी रंजिश पर प्रॉपर्टी डीलर की बुधवार गुरुवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। घटना उपनगर ग्वालियर स्थित कोटेश्वर कॉलोनी की है। रात 1:30 बजे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद अलग अलग पार्टियां बनाकर आरोपियों को दबोचने के लिए दौड़ा दी गई हैं, लेकिन अभी पुलिस आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि घायल भाई की हालत अब स्थिर बताई गई है। कोटेश्वर कॉलोनी में रहने वाले पिंकी उर्फ विनोद राजपूत का प्रॉपर्टी को लेकर मोनू किरार, सन्नी किरार, सेठी किरार से विवाद चल रहा है। इस मामले में पिंकी ने FIR भी कराई थी। देर रात 1 बजे पिंकी के घर में घुसकर इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पिंकी की मौत हो गई और उसका भाई गजेंद्र घायल हो गया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, जिसके बाद मृतक के सब को PM हाउस पहुंचाकर घायल भाई को इलाज के लिए JH में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। ये घटनाक्रम आज रात को 12:30 से 1:15 बजे के बीच का है, कोटेश्वर महादेव के पास का। और ये कोटेश्वर कॉलोनी के रहने वाले हैं। किसी ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी। क्या नाम है इनका, कितने लोगों का नाम है? इसका नाम, मृतक का नाम दीपू उर्फ विनोद किरार है और मारने वालों में मोनू किरार और अन्य हैं, 3 लोग उनका नाम आया हुआ है। क्या विवाद था, कुछ जानकारी? विवाद के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, उसको अभी जांच के बाद में पता लगेगा। लोकसभा चुनावों से पूर्व युवा में जोश फूंकने में जुटी कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली से आए यूथ कांग्रेस के प्रभारी नटवर सिंह ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनावों के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। ये बैठक 2019 लोकसभा चुनाव के लिए की गई है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर गांव-गांव, हर बूथ पर अपनी मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इसी के संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई है। हम अभी से तैयार हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्वालियर के जनागंज थाना इलाके के गेंडे वाली सड़क पर बने PHE ऑफिस में रहने वाले एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि मृतक हनी यादव नशे का आदि था और सुबह 10 बजे उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक के भाई का कहना है कि 2 दिन पहले उसके भाई का पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से किसी बात पर विवाद भी हुआ था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में था और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं ऑफिस था, ऑफिस में घर से फ़ोन आया था भाई का, छोटे का, कि उसने ऐसा ऐसा कर लिया। 2 दिन पहले विवाद हुआ था उसका, सामने ही जोशी परिवार है, लड़के हैं, 3-4 लोग साथ में रहते हैं। उसको वो पैसलाइट करते थे नशे के लिए, नशे के आदि कर दिया था उसको, स्मैक के लिए, पैसों के लिए आए दिन उस पर दवा बनाते थे। पैसलाइट होकर उसने फांसी लगा ली। परसों झगड़ा हुआ था रात में 12-1 बजे के आसपास उनका आपस में, बिल्कुल पैसलाइज होकर उसने फांसी लगा ली। लोकसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है। गत रोज रैली दतिया से होकर भीतरवार पहुंची, जहां बस स्टैंड चौराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व CM शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह ने संबोधित किया। भीतरवार बस स्टैंड पर पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितने विकास के काम भीतरवार के लिए शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार ने किए, क्या कभी कांग्रेस ने किए थे? थोड़ी सी कसर यहां भी रह गई, अगर थोड़े थोड़े और मिल जाते, 3 ही सीट की तो कसर थी। यहां केंद्रीय मंत्री तोमर के अलावा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा का वोट बढ़ा है।
सिंह जी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव देश को जिताने का चुनाव है। कांग्रेस ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी दुनिया में सबसे झूठे आदमी है, झूठेले बताओ है कि नहीं, झूठेले आदमी। एक में इतना झूठ बोलते हैं कि ये झूठ गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, और इसलिए इन भ्रष्ट और बेईमानों से देश को बचाना है। एक नहीं कई घोटाले किए, जमीन पे घोटाले, आसमान में घोटाले, पाताल में घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे पास अभी समाचार आया कि श्रेयांश प्रियांश के बाद फिर एक बेटे का अपहरण हुआ और अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये जुल्म की इंतहा है और अकर्मण्यता की पराकाष्ठा। कब तक अपहरण होते रहेंगे, कब तक बच्चे मरते रहेंगे, और कब तक गृह मंत्री ये कहते रहेंगे कि ये तो उनके परिवार का मामला था। ये कहते हुए भी उनको लज्जा और शर्म आनी चाहिए। सब चीज़ें एक तरफ रख के इनको लैंड ऑर्डर सबसे पहले सुधारना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। अफसरों को फुटबॉल की तरह रोज कहाँ से कब तक यहाँ से वहाँ फेंकेंगे। केवल ट्रांसफर को उद्योग बना के पूरी कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त और पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। दूसरा एक बात जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, इस सरकार ने एक फैसला लिया है कि देसी शराब की दुकानों में विदेशी शराब भी बेचेंगे। मैं मुख्यमंत्री था, भाजपा की सरकार थी, हमने तय किया कि हम नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे जो खुली हुई दुकानें उनको बंद करते चले जाएंगे, और हर साल हम दुकानों में कटौती करते थे। उस समय भी ये प्रस्ताव था कि देसी शराब की दुकानों में विदेशी बेचने की अनुमति दी जाए, मैंने सिरे से नकार दिया था, क्योंकि वो एक विदेशी शराब की दुकान खोलने जैसा होता। दुकान नहीं खुली लेकिन दुकान बढ़ गई विदेशी की अनुमति देके। इससे गांव-गांव में जहाँ पे शराब की या विदेशी की दुकान है वहाँ विदेशी की उपलब्धता से युवा पीढ़ी पे बहुत गलत असर पड़ेगा, और ये शराब की दुकानें ऐसे तो दुगनी कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। चंबल IG योगेश देशमुख के निवास पर पहुंचे कुशवाहा समाज के लोगों ने एक विवाहिता की मौत पर ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर IG चंबल ने पीड़ित पक्ष को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताया गया है कि सुमावली निवासी रामनिवास कुशवाहा से विमला कुशवाहा का विवाह हुआ था और शादी को 25 साल बीत चुके हैं। शादी के बाद विमला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन मृतिका का जेठ उसे आए दिन परेशान करता था और पति के साथ मिलकर दहेज की मांग करता था, जिस पर एक रोज पहले मृतिका के मायके पक्ष के लोग भी उन्हें समझाने पहुंचे थे तो उनके साथ भी मारपीट की गई और दूसरे दिन महिला का शव पास के खेत में पड़ा मिला, जिस पर मृतका के पिता और अन्य परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है और IG चंबल से मामले की जांच की मांग की है। मैंने आवेदन दिया है कि मेरी लड़की के साथ मारपीट हुई और मारा गया, तो मैं सुबह कल बुलाया था लड़की ने, तो वहाँ पे गया था, झगड़ा हुआ था, सास ने वो ससुर ने वो माना जेठ ने देवर ने वो पति ने वो जिठानी ने वो दुरानी ने सबको पीटा मेरे सामने, और मैं वहाँ पर मैंने कहा तो मेरे को भी पीटने को तैयार हुए, मारने की धमकी और मेरे को मैं भाग आया। मेरी मांग है FIR होना चाहिए, अभी FIR नहीं हुई है, 5 जनों की FIR होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। उसके ऊपर महिला मिली थी, उसका PM कराया गया है। PM करने के बाद ये लोग जो आए थे इन्होंने जो वर्जन दिया उसके हिसाब से उसकी जांच करके कार्रवाई कराई जाएगी। जी हाँ, 302 नहीं, देखिए 302 की उन्हें मांग करी है, वाकई है वो जिस जैसी स्थिति उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो दो चीज़ें लिख रहे हैं, एक दहेज के लिए भी बोल रहे हैं प्रताड़ित करते थे और वो भी लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर फिर से। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के खल्लासीपुरा में एक विवाहिता की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। शिंदे की छावनी स्थित खल्लासीपुरा में रहने वाले हेमंत कुशवा की पत्नी हेमलता कुशवा ने सुबह 11 बजे के करीब अपने घर में स्थित किचन में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिला आग में बुरी तरह झुलस गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर विवेचना शुरू कर दी है। मृतका की मौत का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। आज सुबह करीब 11:30 बजे करीब एक सूचना मिली कि हेमलता वाइफ ऑफ हेमंत कुशवा, उम्र 35 वर्ष, निवासी खल्लासीपुरा शिंदे की छावनी की महिला ने अपने आप को एक बाथरूम में बंद करके और आग लगा ली है। तो इस संबंध में थाने से एसआई जगनंदन सिंह को भेजा, मौके की कार्रवाई की उन्होंने और महिला का पीएम करवाया गया है। पूछताछ में अभी तक कोई कारण क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया है, अभी मर जांच में ले लिया गया है और अग्रिम जांच में जब जैसा पता होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पड़ाव आरोपी पर जिला प्रशासन के निरीक्षण और रेलवे एनओसी मिलने के बाद गुरुवार की शाम पड़ाव पुल पर ट्रैफिक फिर से शुरू कर दिया गया। पुल शुरू होने की सूचना जब कांग्रेसियों को मिली तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा एवं पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल समेत तमाम कांग्रेसी पुल पर पहुंचे और अपने वाहन निकालकर पुल के शुरू होने पर हर्ष जाहिर किया। वहीं ग्वालियर महापौर विवेक सिजवलकर भी पुल शुरू होने पर अपने वाहन के साथ पड़ाव के नए आरओबी पर पहुंचे और पुल शुरू होने पर प्रसन्नता जताई। एक ये बड़ा दुर्भाग्य था कि काफ़ी समय से पुल बनने के बाद बंद पड़ा हुआ है, जबकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब होती जा रही है। इसलिए हमने सबने सोचा क्यों ना इस पुल को आज से प्रारंभ किया जाए और इस पर पूरा इंस्पेक्शन प्रशासन आज सुबह कर गया था, इसीलिए हमने इस पर ट्रैफिक निकल रहे हैं। ग्वालियर की जनता को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। मेरा मानना है कि ग्वालियर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, 5 आरओबी बनने जा रहे हैं, इनमें से एक का यहाँ पर लगभग प्रारंभ हुआ है। आशा करते हैं शीघ्र दूसरा भी साइट बनेगी और पूरे जोर शोर के साथ इसका लोकार्पण हम लोग करेंगे। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा इन दिनों सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तो की ही जा रही है, साथ ही वाहनों में संदिग्ध वस्तुओं की भी तलाशी ली जा रही है। डबरा शहर के मुख्य सिंधिया चौराहे पर पुलिस और आरटीओ विभाग की संयुक्त चेकिंग में यहां 4 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट, गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म होने पर करीबन 20 वाहनों पर चालान काट कर कार्रवाई की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर फिर से। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में सुगम मतदान के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित हुई। कार्यशाला में सचिव भारत निर्वाचन आयोग आनंद कुमार पाठक एवं अवर सचिव सुजीत कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यशाला में दिव्यांगजनों के सुगम मतदान के लिए नियुक्त जिला समन्वयक एवं दिव्यांगजन कल्याण का कार्य करने वाले असास के संस्थान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज और हमारी जो पूरी मशीनरी है उसके संवेदीकरण और प्रसिद्ध कुमार पाठक सचिव भारतीय निर्वाचन आयोग, कल्याण संघ के पदाधिकारी है, उपस्थित सभी एनजीओ के
साथीगण, ई एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में बहुत सारे काम मध्य प्रदेश में हुए। पर्सन्स को डिसेबिलिटी की मैपिंग हो, उनको सुविधाएं देने की जो कोशिशें थी। समावेशी यानी जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, छूटे रहते हैं, उन सबको इंक्लूड करते हुए इंक्लूसिव इलेक्शंस और खासकर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए सुगम व्यवस्था एक्सेसिबल इलेक्शंस का जो नारा इलेक्शन कमीशन ने दिया था हमें 2018 के विधानसभा निर्वाचन में, उसमें आपसे मदद हमने चाही थी इसी हॉल में एक सेमिनार में। बाकी राज्यों की तुलना में ये बहुत अच्छी संख्या है। हमने लगभग 3.5 लाख ऐसे वोटर्स का चिन्हांकन किया था जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और जो PWD की श्रेणी में आते हैं, और उन सब का हम एक ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उनको पास दिलाया था और उस पास के जरिए वो लोग क्यू जंप कराए थे और क्यू तक पहुंचने और मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए रैंप की व्यवस्था और जो वॉलंटियर की व्यवस्था आप सबके सहयोग से हमने किया था। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव खर्च पर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न सामग्रियों की दरें जारी कर दी हैं। आपत्ति होने पर एक सप्ताह में अपने दावे आपत्ति प्रस्तुत करें ताकि समय पर तर्क संगत दरों का निर्धारण किया जा सके। लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों एवं पार्टियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार किया जाए उसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रचार प्रसार सामग्री पर व्यय जैसे आम सभा, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, परिवहन आदि पर व्यय का लेखा जोखा किया जाना है। एक प्रत्याशी के लिए व्यय सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है। प्रत्याशी को अपना अलग बैंक खाता भी रखना होगा, इसके माध्यम से सभी व्यय होंगे। पश्चिमी विक्षोभ की लगातार आमद से इस बार लोगों को मार्च के पहले पखवाड़े में फरवरी के दूसरे पखवाड़े जैसी ठंडक का मजा मिल रहा है। बार बार मौसम के तेवर में बदलाव, बादलों की आमद के कारण न्यूनतम तापमान औसत रूप से उतना दर्ज हो रहा है जितना कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में रहता है। स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार इस बार फरवरी और मार्च माह में लगातार पश्चिमी विक्षोभों की आमद के कारण आसपास के क्षेत्रों में कभी अपर एयर साइक्लोनिक सिस्टम बने तो कभी सर्कुलेशन सिस्टम बने। यही कारण है कि जैसे ही एक दो दिन वातावरण में तल्खी आई, तुरंत बाद मौसम में ठंडक आ गई। लगातार बादलों की आमद, हल्की बूंदाबांदी से वातावरण में गर्माहट का दौर ही शुरू नहीं हो पाया है और अधिकतम तापमान तो मार्च माह में इस बार औसत स्तर पर ही नहीं आ पा रहा है। और इंडिया खबर लाइव में बस आज इतना ही, और अब हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।